प्यारे दोस्तों, एक भारतवासी योगी वीरेंद्र योगी मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। भगवान बुद्ध, विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट और इस धरती पर जितने भी महान व्यक्ति हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, उन सारे महान व्यक्तियों के रास्ते पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए हमेशा सोचने वाला ये व्यक्ति योगी वीरेंद्र योगी आपका अभिनंदन करता है, आपको सत नमन करता है और आपसे ये गुजारिश करता है, आपसे ये प्रार्थना करता है, विनती करता है कि आप सभी लोग, जो हमारे वेदांतों में लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, असदो मा सद्गम्यो, तमसो मा ज्योतिगम्यो, मृत्यु मा मृत्युगम्यो। प्रिय दोस्तों, आज का दुनिया बारूद की भीड़ पर है, जिसको बुद्ध भगवान ने इन शब्दों में कहा था। ये इसीलिए है कि यहाँ के लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, इग्नोरेंट हैं और ये लोग क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। अपने स्वार्थ के अलावा इनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये खून बहाते हैं, ये लोगों की हत्याएं करते हैं और ये धरती को रहने लायक नहीं बना रहे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे दुनिया के जितने भी बहनों और भाइयों हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर हम सभी लोग मिल जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो इस धरती पर हम फिर से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा का वातावरण तैयार कर सकते हैं। और जब पूरी दुनिया सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलेगी तो यहाँ सबों का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अगर सभी खुशहाल है तो हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इस धरती के किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी कंट्री में है, देश में है, तो हम भी खुशहाल होंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मानवता का जो ये क्रोध, लोभ, लालच और अज्ञानता है, ये बार बार इस धरती को जलाया है। यहाँ हत्याएं हुई है, यहाँ लोगों पर ध्वंस किया गया, अभी ध्वंस किया गया, यहाँ तक यहाँ दो एटम बम भी गिराए गए हैं हिरोशिमा में, नागासाकी पर। और हिटलर जैसे यहाँ दारिंदे दोष पैदा हुए। अगर आप भारतवासी हैं तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ कंस और रावण जैसे दोष हुए, जो कि बार बार लोगों को तारे पीड़ित किया, उनकी जिंदगी में कभी भी सुख शांति आने नहीं दिया। यहाँ दुर्योधन हुए, यहाँ कंस हुए, द्रौपदी का चीर हरण किया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आज के युवा पीढ़ी, मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, इनका विचार यही है कि न कोई दुर्योधन हो, न कोई रावण हो, न कोई कंस हो, न कोई हिटलर हो, न कोई आतंकवादी हो, सभी लोग भगवान बुद्ध और विवेकानंद जैसे विचारों से प्रभावित हो। उनके दिल में क्या होनी चाहिए? शांति, 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 शांति। बोलिए शांति, शांति, सर्वत्र शांति। सारे धरती के जो संरक्षण का एक ही मार्ग है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु और मनुष्य, जो सभी एक साथ मिलके दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और सबको अपना समझेंगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, क्या बोलेंगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्माएं जितनी भी हैं एक समान की है, इन आत्माओं में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मनुष्य इतना गिर चुका है कि जानवरों को मार के खाता है, और ईदी अमीन तो ऐसा राक्षस मनुष्य था जो कि आदमी का मांस भी खाया करता था, लेकिन आदि अमीन जैसे अनेकों हजारों सहसरों मनुष्य यहाँ मार रहे। कल आपने पढ़ा होगा, कल आपने पढ़ा होगा और सुना होगा रेडियो टेलीविजन में, श्रीलंका में, चर्च में, अनेक चर्चों में धमाके किए गए, लोगों की हत्याएं की गई, बहुत लोग घायल हो गए। क्यों हुआ है? ये तो एक श्रीलंका की घटना। आप देखेंगे जितने भी सऊदी कंट्रीज हैं वहाँ ये बातें चल रही हैं। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहदों पर बार बार आतंकवादी ग्रुप को भेजता है और निहत थे मजबूर इंसान की हत्याएं करता है। अभी नमस्ते। ये धरती इतना आतंक से घिर चुका है, हत्याएं इतनी हो रही है, अशांति इतना है कि अभी इस मनुष्य को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो सबों का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि सभी सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा का मार्ग पालन करें, इसी रास्ते पर चलें, क्योंकि इसी में सबों का विकास होगा। तब सारी मानवता सतर्क हो जाएगी और प्रेम के वातावरण में जीना सीखेगी तो कभी भी किसी को दुख नहीं होगा। दुख का कारण होता है स्वार्थ,
क्रोध अहंकार काम क्रोध मद लोभ वो अहंकार ये व्यक्ति को सर्वनाश कर देता है। इसीलिए इस व्यक्ति का ही उत्तरदायित्व होता है। और आप हमारे युवा पीढ़ी हैं, आप हमारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मेरा ये अपील है पूरे दुनिया के युवा पीढ़ियों से कि आप लोग अगर समझदार होंगे, आपके जीवन में शांति का मतलब समझ में आता है, तो आप समझेंगे कि शांति 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 सर्वत्र शांति। आपको जागरूक होना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा जो लोग अशांत हैं, जो लोग हत्याएं करते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही इस तरह की शिक्षा दी गई है, मारो 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 काटो, नफरत की आग फैलाई जाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अनेक विभिन्नताओं के नाम पर उनको शैतान बना दिया जाता है। बारंबार यहाँ हिटलर पैदा लेता है, भले ही उसकी क्षेत्र कम हो। हिटलर ने तो अकेले ही 12 मिलियन लोगों की हत्याएं की थी। इतना नफरत करता था मनुष्य से। 12 मिलियन का मतलब है 1.2 करोड़, समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. 120 लाखों लोगों की हत्या उसने की थी। और जो जो आप इतिहास पढ़े हैं, ऐसे दुष्ट लोग बार बार मनुष्य को तकलीफ में डाला है। इसीलिए मनुष्य का शत्रु केवल मनुष्य है। आप मेरे प्यारे बच्चों हिंदुस्तानी हो, अभी इलेक्शन का सीजन है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने लोगों से प्यार है? नहीं। क्या अपने नागरिक से प्यार है? नहीं। प्यार नहीं है, नफरत है। वो देश को गाली दे रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य सत्ता में आना। सत्ता में आएंगे तो तुमको बेरोजगार बनाएंगे, तुमको बिना रोटी कपड़े मकान का बनाएंगे, तुम्हारे लिए कोई भी सोचने वाला नहीं है। नहीं। वो सोचेगा कुत्ते की औलाद, अपनी औलाद के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने आप के बारे में सोचेगा, आपके लिए नहीं सोचेगा। पशु प्रवृत्ति है। तो इसीलिए दुनिया में ये बात लागू है, ये सैंपलिंग है, ये नमूना है। इसीलिए मैं पूरे दुनिया के लोगों से जो हमारी भाषा हिंदी को समझ रहे हैं निवेदन करता हूँ, विचारों को पवित्र कीजिए, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलिए, जीसस क्राइस्ट के रास्ते पर चलिए। कल ईस्टर था, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका एक पर्व होता है, वो गिरजाघर में अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, उसी में कुछ दुष्ट ने जाके बॉम्ब चलाया। अभी भी न्यूजीलैंड की घटना सुना होगा, वहां भी जाके किसी दुष्ट ने हजारों लोगों को गोलियां मार दी। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, शांति शांति शांति। क्या आप शांति में विश्वास रखते हैं? जी सर। आप शांति में विश्वास रखते हैं? जी सर। तो आप शपथ लीजिए, शपथ लीजिए कि हम मानवता के संरक्षक, बोलिए हम मानवता के संरक्षक, कभी भी ध्वंस नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, केवल प्यार करेंगे, केवल मोहब्बत करेंगे, और बोलिए, ये विश्व मेरा है, ये विश्व मेरा है, विश्व के जितने लोग हैं हमारे हैं, इनकी सुख शांति, इनके हर आंख की आंसू पोंछने का उत्तरदायित्व हमारा है। हम भारतीय हैं, हम शांति दूत हैं, हम कभी भी नफरत नहीं करते, हम कभी नाराज नहीं होते, हम सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, आत्म सर्वभूतेषु, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद।